बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कोरल ड्रा में ये पावर स्विच आइकन हम कैसे तैयार करेंगे, ये आज हम सीखेंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलें शुरू करते हैं और स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। सबसे पहले एक रेक्टेंगल लगाएं। ये रेक्टेंगल आप लोग लगा लें यहाँ पे 3 बाय 3 का। 3 का बटन दबाएं, टैब का बटन दबाया, फिर 3 दबाया, वहाँ पे ऊपर देखें यहाँ पे, और आप जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो आपका 3 बाय 3 का आपका ये रेक्टेंगल यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप इसको यहाँ से शिफ्ट का बटन दबा के अंदर की तरफ लाएं और राइट क्लिक कर देंगे। ये आपके सामने इसमें एक और रेक्टेंगल इसके अंदर आ चुकी है। ठीक है, शिफ्ट के साथ इसको थोड़ा सा बाहर निकाल लें, ये बेटर है। यहाँ पे रखें इसको आप लोग, ठीक है, और एक अदद सर्कल जो है वो अब आप लोग 2 बाय 2 का, यानी कि ये जो सर्कल आपने लगाना है, पहले एक सर्कल आप लगा लें यहाँ पे, ये देखें, और इसको हम दे देते हैं 1.75 और नीचे भी 1.75। ये सर्कल लगा लिए हमने यहाँ पे, देखें ये सारे स्टेप्स मुकम्मल कर लिए हैं आपने। अब एक लाइन इसके अंदर सीधी यहाँ पे आप लोग लगा दें कंट्रोल के साथ, ये देखें, ठीक है, तो ये लाइन लग गई है। इस लाइन को सिलेक्ट करें, पिक टूल को पकड़ें और शिफ्ट के साथ इसके ऊपर क्लिक करें और सी दबा के ई दबा दें। ये सी ई से ये लाइन सेंटर में जा चुकी है। अब ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आप लोगों का तैयार हो चुका है। सबसे पहले आप इस लाइन के ऊपर आएं, F12 का बटन प्रेस करें, यहाँ से आप इसको वाइट कलर दें आउटलाइन को, और इसको आप 5 कर दें, इसकी जो विड्थ है पॉइंट्स में रहते हुए, ओके कर दें, और इसको शिफ्ट पेज अप करके ऊपर ले आएं, इसके ऊपर क्लिक करें जी। ठीक है, इसकी आउटलाइन फिर F12 दबाएं, इसको भी अब आप लोग जो है आउटलाइन थोड़ी मैं ग्रे कर रहा हूँ ये वाली, और 5 कर लें और इसको ओके कर दें कि ग्रे हो गई है। अब इस पे आ जाएं जी, ठीक है, यहाँ पे रेक्टेंगल के ऊपर फिर दबाएं F12 के बटन को, इसको वाइट कर दें जी, और आउटलाइन इसकी 5 कर दें जी, वो भी गई। अब इसके ऊपर आ जाएं और यहाँ पे अब आपने फिलिंग कर दें रेड कलर को मुकम्मल तौर पे, और ये जो आपने कलर हमने वाइट कर दें, इसको भी F12 दबाएं और इसकी आउटलाइन को वाइट कर दीजिए। तो ये देख लें जनाब, हम लोगों ने पावर स्विच जो है वो उसका आइकन तैयार कर लिया है कोरल ड्रा के अंदर।